जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं हूँ गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक यानी डेली राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह और सितारे? प्रिय भक्तगणों, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक ऐसी शिखरा की, जिसमें आपको नित्य प्रति मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज की सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं और उनका आज का राशिफल क्या है। तो उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इसमें उन सभी राशियों के बारे में प्रॉपर तरीके से व्याख्या की गई है। कौन कौन सी राशियां दुर्भाग्यशाली या बदनसीब राशियां हैं, कौन कौन सी राशियां लव बर्ड्स की राशियां हैं, जिन्हें आज प्रेम संबंधों में सबसे ज्यादा सफलता या खुशी हासिल होगी, वो राशियां कौन कौन सी हैं, वो राशियां कौन कौन सी हैं जिनको आज सबसे ज्यादा इनकम होगी, आमदनी होगी, सबसे ज्यादा कमाई कौन सी होगी, या वो राशियां कौन सी है जिन युवक युवतियों का मन सिर्फ और सिर्फ आज पढ़ाई लिखाई में लगेगा और वो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे आज के दिन पढ़ाई लिखाई में, वो कौन कौन सी राशियां, उनका राशिफल क्या कह रहा है आज। तो आइए देखते हैं आपका यह विशेष राशिफल। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 19 अप्रैल 2020 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आसमान में ब्रह्मानय नामक योग है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का उदय हुआ है। मैं ब्रह्मकालीन कुंडली की बात कर रहा हूँ। रविवार का दिन है और आज जो राहु काल रहने वाला है वह राहु काल सुबह 5:12 से लेकर 6:49 तक इफेक्टिव रहेगा। इस अशुभ समय के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना प्रारंभ करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोगों की बहुत सारी मुझसे निवेदन होते थे कि मैं फ्री में आप लोगों को अब आपकी परेशानियों के उपाय बताऊं, क्योंकि आप जिन लोगों की सामर्थ्य पैसा देने की नहीं है उनको फ्री में बताया जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोगों के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप शनि मंदिर की तरफ से लॉन्च की है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मोबाइल ऐप का जो लिंक है ले लीजिए और उस लिंक से उसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पर स्वामी प्रिंस ऋषि साधक और साधिका, मतलब जो उनके दो असिस्टेंट हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपकी सभी प्रकार की जो फ्री क्वेश्चनिंग है उनको रेमेडाइज किया जाए, यानी उनके उपाय बताए जाए। हाँ, वहाँ कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, फिर भी जिन लोगों के साथ हमें लगता है कि इनको कॉन्टेक्ट भी किया जाना चाहिए तो उनको हम में से कोई भी व्यक्ति, मैं, गुरु मां रुक्मणी या स्वामी राज ऋषि या स्वामी प्रिंस ऋषि, खुद कांटेक्ट करके भी उनसे व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। तो ग्रह गोचर क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है कि कौन सा ग्रह किस राशि में विचरण कर रहा है उसको ग्रह गोचर कहते हैं। उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में या हमारे सिर पर या हमारी पीठ पर या हमारे इनकम के भाव में या हमारे भाग्य में कौन सा ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अनुसार बैठा हुआ है। तो आज की जो ग्रह गोचर की स्थिति है वह इस प्रकार से है। मेष राशि में सूर्य ग्रह विचरण कर रहे हैं, वृष राशि में शुक्र देवता विचरण कर रहे हैं, मिथुन राशि में राहु महाराज विचरण कर रहे हैं और धनु राशि में केतु महाराज विचरण कर रहे हैं, जबकि मकर राशि में शनिदेव, मंगल देवता, बृहस्पति देवता, इन तीनों का विचरण चल रहा है और कुंभ राशि में चंद्र देवता का विचरण चल रहा है, जबकि बुध देवता मीन राशि में विचरण कर रहे हैं इस समय। अभी पीछे हमारे यहाँ यंगेस्ट बिलियनर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब सबसे कम उम्र के जो
मिस्टर रेफवेन का आगमन हुआ और वो भी केवल अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए साउथ अफ्रीका से चलकर दिल्ली में आए। और न सिर्फ उन्होंने उसके बाद अपनी कुंडलियां इत्यादि दिखाकर कुंडली का विश्लेषण करवाया, अपितु समस्त नवग्रह देवताओं के लिए प्रतिदिन एक यज्ञ के हिसाब से उन्होंने हमारे यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाकर सनातन हिंदू धर्म में अपना विश्वास व्यक्त किया। मैं उन महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूँ जिनको ये एस्ट्रोलॉजी का मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है, वो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाकर, और अपनी मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही लाइक करके हमें अनुभूति दें कि आपने हमारा प्रोग्राम पसंद किया है, इसकी वजह से हम और अच्छा प्रयास करें कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें, और मेहनत करें ताकि हम आपके जीवन के जो छुपे हुए स्वरूप को, जो भाग्य में जो उसको छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाल कर अपने अध्ययन के बल पर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों से एक बात कहना चाहूंगा, देखो तो यहाँ पर आपको माता का फुल आशीर्वाद है। आजकल भाई बहन पूरी तरीके से आपको जी जान से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो राशि के मालिक है वो भी तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी तो पौ आ रहा है इस समय। अब जीवन साथी भी फुल सपोर्ट दे रहा है आपको और खुशियां दे रहा है आपको, बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं आपके और आपके जीवन साथी के मध्य। हर तरीके से आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, और ये प्रसन्नता और खुशियां आपके जीवन में निरंतर बढ़ती रहे, ऐसा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। किंतु बात करते हैं परिवारजनों के साथ छोटी सी एक अड़चन खड़ी हो रही है, उस अड़चन को दूर करने का प्रयास करें और अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण करें। ऐसा ना करें कि आप अपने क्रोध के कारण आपके संबंधों को खराब कर लें और कहीं बात पहुंच जाए कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके परिवार वाले कुछ ऐसा कर दें, किसी तांत्रिक का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करें, तो सावधान रहें, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो यहाँ स्टूडेंट की बुद्धि उनके साथ नहीं है और किताब सामने रखी जाती है, दिमाग कहीं और घूमता है। या उन स्टूडेंट की बात करें जो मेहनत तो बहुत करते हैं, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, या उनकी बात करें स्टूडेंट्स की जो बहुत सरकारी नौकरी के बहुत सारे पेपर्स दे रहे हैं किंतु कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, और साथ में उन लोगों की नालायक संतानों की भी बात करें जो जिसकी वजह से उनके माँ बाप बहुत परेशान है, चाहे संतान की उम्र कोई भी क्यों ना हो, मान सम्मान नहीं करते, अपने माँ बाप की बेइज्जती ही करते हैं। तो ऐसे सभी केसेस में आप समझ जाइए ये इसलिए हो रहा है कि ग्रह इनके साथ नहीं है। जब ग्रह साथ नहीं देंगे, और ये दुनिया एक बात आप लोग निश्चित रूप से जान लीजिए, परमात्मा की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, और ये ग्रह फल जो है वो पिछले जन्म के ग्रह फल होते हैं, या कुछ इस जन्म में भी आपने जो अर्जित किए हैं ग्रह अपने अच्छे कर्मों बुरे कर्मों से, तो वो ग्रह फल है। तो उनको अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको काटने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे, तो उन उपायों को करके आपको पहले से ज्यादा नंबर दिलाए जा सकते हैं। बच्चे को अगर पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है तो उनको ज्यादा वो पढ़ने में अच्छा बनाया जा सकता है। अगर आपकी संतान आपकी बेइज्जती करती है तो उसको स्थिति को सुधारा जा सकता है, आपके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। अगर आपकी संतान आपकी धन संपत्ति पे ही केवल नजर रखती है, आपके मरने की प्रतीक्षा करे, तो उस स्थिति को भी सुधारा जा सकता है बहुत छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा, या जो बिल्कुल नालायक संतान है उसको भी सुधारा जा सकता है। या मैं तो कहता हूँ हमें प्रयास करने दीजिए जो शराब इत्यादि की लत में या बुरी आदतों के शिकार हैं, बिना उनको बताए भी छोटे छोटे उपाय करके, कोई आपको दवाई नहीं देंगे, हमको डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों का काम होता है दवाई देना, हमारे यहाँ से किसी किस्म की दवाई किसी को भी किसी कॉस्ट पर नहीं दी जाती है। हाँ पीछे जरूर हमने एक डॉक्टर रखी थी, वो फ्री कंसल्टेशन देती थी, एक गवर्नमेंट से सर्टिफाइड डॉक्टर थी, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड डॉक्टर थी, तो उनको रखा था और वो साहिबा काफ़ी समय तक आप लोगों को फ्री सुविधा हमारे शनिपीठ मंदिर की तरफ से उपलब्ध कराती रही है, मगर हम ऐसी कोई चीज नहीं देते हैं। हम केवल एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उनके द्वारा आपके ग्रहों को ठीक कर आपके जीवन में आपको पहले से ज्यादा नंबर दिलाएंगे,
आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, आपकी संतान अगर आपके कहीं में नहीं है तो उसको संतान को आपके कहीं में लाने का प्रयास करें। तो इन सब चीजों को करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करिए, निश्चित रूप से आपकी मदद के करने के लिए तैयार बैठे। माई नेम इज कुमार, आई कमिंग फ्रॉम दुबई, आई एम टू मच फाइनेंशियल एंड मेंटली टेंशन। हम इधर स्वामी जी के पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया, रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, इधर शिव मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा, 100% आपको वादा करता। बात करते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह लोग हैं, यहाँ वृश्चिक राशि वालों की तो स्पेशली बात कर रहा हूँ, आप लापरवाह मत रहिए, क्योंकि यहाँ एक ग्रह आपको अड़चन दे रहा है, वहां बीमारी आपको परेशान कर सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और इस समय हालात सही नहीं है, तो आप बहुत कंट्रोल करिए अपने आप को, नहीं तो परेशानी में आ सकते हैं। बात करते हैं जीवन साथी के साथ आपके अच्छे रिश्ते चल ही रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं जीवन साथी आपका, ससुराल पर से कोई बुरी सूचना भी अवश्य प्राप्त होने की संभावना बनती नजर आ रही है आजकल। बात करते हैं भाग्य की दृष्टि से, तो भाग्य आपका आज जुड़ गया है आपके भाई बहनों के साथ, जाते हैं उलझने देने के बाद उनको सुलझाने की जरूरत होती है, तो कुछ सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल के हालात भी आपके अनुकूल नहीं है, कार्य स्थल पर अशुभता फैल रही है, आपके शत्रुओं के कारण आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है इन दिनों। आमदनी की दृष्टि से कहेंगे तो आमदनी के हालात भी आपके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आमदनी का जो मालिक है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका नीच का हो जाना आपकी आमदनी को नुकसान पहुंचाएगा। सतर्क रहे, सावधान रहे, यही हमारी आप लोगों के लिए सलाह है। और उन लोगों के लिए जिनकी शादी ही नहीं हुई है, रिश्ते आके रिजेक्ट करके चले जाते हैं, नेगेटिविटी भरती जा रही है, या उन लोगों की बात करें जो प्रेम संबंध में बहुत ज्यादा खटास अनुभव कर रहे हैं, निराशा अनुभव कर रहे हैं, या उन लोगों की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनके शादीशुदा जीवन में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो इन तीनों ही केसेस में, शादीशुदा वाले केसों में, प्रेम संबंधों वाले केसेस में, या जिनकी शादी नहीं हुई, तो आपको ये समझ लेना चाहिए अगर बार बार कोई स्थिति रिपीटेड होती है एक आध बार के अलावा, तो आप समझिए कहीं ना कहीं ग्रह दोष है। और जब तक आप उस ग्रह दोष का उपाय नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, कोई कोई मुर्गे की बलि नहीं है इसके अंदर, कोई बकरों की बलि नहीं है, कोई उल्लू पकड़ के नहीं लाना है, कोई सियार सिंगी पानी में नहीं बहानी है, या कुछ और नहीं करना है, कोई बहुत प्रचंड पूजा पाठ नहीं करना है, या उसका प्रपंच नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे उपाय एस्ट्रोलॉजी के, मात्र मान लीजिए अंगूठी पहनने जैसे साधारण उपाय, जैसा कि हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री और बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर न जाने कौन कौन लोग इन उपायों को करके अपने आप को मजबूत बनाते रहे, तो ऐसे ही उपायों का सहारा लेकर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, मधुरता ला सकते हैं, और अपने प्रेम संबंधों को सुधार सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे आपकी शादी ना हो रही हो तब उन संबंधों की बात करें, या प्रेम संबंधों की बात करें, तो उन सभी संबंधों को बहुत छोटे उपायों के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आप देखिए जय शनिदेव। Thank you.